हेलो फूडीज़, आज हम बनाएंगे गुजराती लापसी की रेसिपी, जो कि बनाना बहुत आसान है और हम इसे कुकर में बनाएंगे। तो एक कटोरी घी ऐड करना है, उसके बाद अपने पसंदीदा ड्राई फ्रूट्स को ऐड करके 2 से 3 मिनट तक अच्छे से सौते कर लेंगे, जब तक कि वो हल्का सा गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। उसके बाद यहाँ पे 2 कटोरी हमें दलिया ऐड करना है और उसको अच्छे से पका लेना है करीबन 4 से 5 मिनट तक, जब तक कि वो गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता, कुछ इस तरीके से। और उसके बाद हम यहाँ पे 5 कटोरी पानी ऐड करेंगे। तो जिस कटोरी से हमने दलिया लिया था, उसी कटोरी से हमें 5 कटोरी पानी ऐड करना है और उसको पहले उबाल लेना है और फिर इसमें ऐड करना है और अच्छे से मिक्स कर देंगे एक बार, और ढक्कन लगा के करीबन 3 से 4 विसल आने तक हमें उसे पका लेना है। तो हमें लो मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 विसल लगा लेना है। तो देखिए, लापसी बन के तैयार है और फिर उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इस स्टेज पे हम 1 कटोरी शुगर ऐड करेंगे और उसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे, और साथ में ऐड करना है 1 स्पून जितना इलायची पाउडर। और शुगर मेल्ट हो जाए तब तक के लिए हमें उसको अच्छे से मिक्स कर देना है। और कुकर खोलने के बाद अगर लापसी आपको कच्चा लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके 1-2 विसल और लगा सकते हो। और जब लापसी ऐसे पैन से ना चिपके, मतलब इस स्टेज पे ऑलमोस्ट बन के रेडी है, और लास्ट में हमें ऐड करना है ड्राई फ्रूट्स और अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ऊपर से मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट बचा के रखा था, वो ऐड करके गार्निश कर दिया है। वाकई में ये लापसी इतना टेस्टी बना था कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। आप एक बार खुद ट्राई करिएगा, आप भी खाइए, खुश रहिए। हैप्पी टमी विथ एमी के साथ। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड फॉलो फॉर मोर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।